वो पहला चेक शेयर कर सकते हो कितने का आया था? जी मैं पहला चेक फर्स्ट मंथ की मेरी अर्निंग बनी थी, वो बनी थी जस्ट कि आपकी एस्टिमेटेड इस चैनल से इस वक्त मंथली अर्निंग कितनी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू निराले व्लॉग्स। और आज हमने सोचा कि आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं शिराज भाई, हमारे चैनल के अंदर अक्सर आपको नजर भी आते हैं। शिराज भाई माशाल्लाह मंथली कितने डॉलर्स अर्न कर रहे हैं ये हम आपको बताएंगे इसी व्लॉग के अंदर। तो हमारे साथ मुझे क्यों नहीं लिया ये एक बड़े मनहूस पर्सन, मैं आपको दिखाऊंगा अन करीब। ये भी माशाल्लाह अच्छी पर्सनैलिटी है, ये कहीं और से अर्न कर रही है। शिराज भाई यूट्यूब से अर्न कर रहे हैं, तो हम आज को आपको बताएंगे कि शिराज भाई यूट्यूब से कितना अर्न कर रहे हैं। गाइस मखलूक आपको नजर आ रही है ना, इसके तकरीबन कोई आम तौर पे 16-18 कंडे होते हैं। ये अक्सर गटरों नालियों में पाई जाती है और इसको आप पैर रख दें तो कड़क की आवाज़ आती है। और ये मुझे कभी ये, और जब आप इसको कुछ कहेंगे ना तो ये आपके ऊपर पर फैला के आपकी तरफ उड़ के आने भी लग जाती है, जैसे अभी अभी आपने डेमोंस्ट्रेशन देखी थी। आजकल गाइस आपका भाई कर रहा है फुल टाइम डाइट, तो पूरा प्लान शेड्यूल जो है वो चल रहा है। अब इस तरीके से था कि मेरा एक लेज खाने को दिल करा था, लेज देख के मेरी जनाब मेरी तो चार होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये 20 रुपये का लेज का पैक है। मेरा डेली बजट है कैलरी का तकरीबन कोई मेरा डेली कैलरी का बजट है तकरीबन कोई 500 से 700 कैलरीज का। अब इसके अंदर मैं आपको कैलरी दिखाता हूँ, 20 रुपये का पैकेट है 20 रुपये का। इसकी कैलरी काउंट देखें, इसके अंदर है भाई 500 कैलरी, ये देख रहे हैं आप 500 किलो कैलरी। बंदा पूछे यार क्या क्या बकवास है यार, एक लेज नहीं खा सकता मैं। अमीर हो जाऊंगा ना मैं, इन लोगों को इंशाल्लाह इबरत का निशान बना दूंगा, आप टेंशन ना लें। यह मुझे डिमोटिवेट करते हैं गाइज, ये लोग मुझे कहते हैं कि मैं मोबाइल ज़्यादा पास से पकड़ता हूँ। आपको ऐसा लगता है कि मोबाइल ज़्यादा पास से, मुझे कमेंट्स में बताएं। गाइज रात का नाश्ता आ गया हुआ है, शिराज भाई मुंह छुपाते हुए ये देखें गाइज, वो अली भाई भी मुंह छुपाते हुए, अली भाई मुंह दिखाएं जरा, ब्यूटी दिखाओ। नहीं वो क्या क्या कौन थी, तुलसी जरा ब्यूटी दिखाओ, तुलसी ब्यूटी दिखाओ प्लीज तुलसी, बिस्मिल्लाह करम आइयो। गाइस हमारी तुलसी ब्यूटी नहीं दिखा रही। गाइस हमने यहाँ पे बनवाया है ऑमलेट अंडा अपनी मर्जी से, क्योंकि हम और कुछ खा नहीं सकते, हम दोनों बीमार हैं। गाइस ये जो बीमार है ना, ये दिन में तकरीबन कोई 8 से 10 दफा चाय पीते हैं और पता नहीं क्या कुछ ये खाते हैं। प्रमोशन ना करो, प्रमोशन नहीं करनी चाहिए, नेम हाइड करो। तो ये सीरम यार, अगर किसी को आजकल फ्लू या कफ का कोई इशू हो तो हमारी तरफ से ये रिकमेंडेड है, हमने भी अभी लिए फ्री प्रमोशन है। चल आपको फीडबैक देते रहिए। हां जी हां जी इंशाल्लाह। यार मेरा तो दिल आ गया इस पे। शिराज भी पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने ये चैनल स्टार्ट कब किया? मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था ड्यूरिंग कोविड। मैं मुझे एक्चुअली शौक बहुत था ये टीवी शोज वगैरह देखने का, तो उस वजह से मुझे फील हुआ। अच्छा मैं जब भी कोई टीवी शो देखता था तो IMDB पे उसकी रेटिंग वगैरह चेक करता था, तो मुझे फील हुआ कि यार जो भी लोग देखते होंगे टीवी शोज, और टीवी शो कोई छोटा नहीं होता, कम से कम एक सीजन तो सबका ही होता है, अगर मिनी सीरीज भी है तो उसके लिए बजाय इसके कि अगला बंदा पूरा उसको देखे और फिर बताए कि हाँ भाई ये अच्छा था ये बुरा था, तो मैं उन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए मैंने सोचा कि, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी टीवी शोज देख चुका था जो अच्छे नहीं थे लेकिन मेरा टाइम बहुत वेस्ट हुआ था, तो मैंने कहा मैं इस तरह का चैनल बनाता हूँ जिसमें अच्छे टीवी शोज की लिस्ट वगैरह ऐड करूँगा और उस पर रिव्यूज वगैरह देखे और बता दूंगा कि आप लोगों को देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए। तो जो बेस्ट टीवी शोज होते हैं टॉप 7 के टॉप 10 के मैंने लिस्ट क्रिएट करके और
ड्यूरिंग कोविड चूंकि कुछ और तो था नहीं करने को, तो या तो टीवी शोज देखता था, फिर लिस्ट क्रिएट करके और ये चैनल मैंने तब से स्टार्ट किया। तो इसका जो नाम आपने रखा हुआ था टीवी लीक्स, इसका शुरू से नाम यही था या पहले नाम इसका कुछ और था? नहीं, पहले इसमें ये था कि मैंने जस्ट ना द टीवी के नाम से स्टार्ट किया था, क्योंकि मतलब उसमें हर चीज टीवी से रेलेवेंट थी, टीवी शोज थे और उसके बाद डॉक्यू सीरीज जो थी वो थी, तो वो चीजें थी जो कि टीवी पे आती है मोस्टली, मतलब मूवीज से रेलेवेंट नहीं थी, सिनेमा से रेलेवेंट नहीं थी। तो मैंने इसका नाम पहले द टीवी रखा, फिर मैंने जो कि इसमें न्यूज ऐड करनी स्टार्ट कर दी, कुछ ऐसी न्यूज जो कि स्पॉयलर्स होती हैं या लीक्स होती हैं मिसाल के तौर पे, तो कुछ ऐसे सोर्सेज थे मेरे के मुझे कुछ न्यूज़पेपर होते हैं जो कि स्पॉयल करते हैं टीवी सीजन्स के इन्फो को, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो द टीवी के साथ साथ लीक्स का भी उसमें पार्ट ऐड कर दूं, तो फिर द टीवी लीक्स बना दिया। तो आपके जो फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स थे वो कब कंप्लीट हुए थे, आपको भी याद? फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर, अच्छा मेरा ये था कि मेरी जो ऑडियंस थी, जो मैंने ऑडियंस टारगेट की, वो ये नहीं थी कि पाकिस्तानी या इंडियन ऑडियंस, वो ज्यादा थी इंग्लिश ऑडियंस, इवन दो उसमें पाकिस्तानी इंडियन भी थे बट वो थे जो कि इंग्लिश टीवी शोज थे। तो मुझे ऐसा कोई इतना इशू नहीं हुआ, मैंने शुरू में क्या किया कि डिफरेंट टीवी शोज के क्लिप्स वगैरह ऐड करने स्टार्ट कर दिए इसके अंदर, और कुछ टाइम के बाद जब मेरे सब्सक्राइबर्स 5K हो गए फिर मैंने अपनी पहली वीडियो डाली इसके ऊपर। अच्छा अच्छा, तो मेरे लिए वो सब्सक्राइबर्स लेना कोई इतना मुश्किल नहीं था, वो ऑलरेडी रैंडमली मतलब वीडियोस को देख देख के आना स्टार्ट हो गया। सही, फिर उसके बाद इसके अंदर आपका जो चैनल मोनेटाइज हुआ, मोनेटाइज चैनल आपका कब हुआ था? अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा मैं जो चीज है जो लोगों को भी बताना चाहूंगा वो ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम चैनल मोनेटाइज कराना एक डिफिकल्ट काम हो जाता है, तो मैंने जो प्रोसेस किया था, like if you guys have an English channel or English audience, मतलब वेस्टर्न ऑडियंस है, तो आपको ये करना चाहिए कि डिफरेंट किस्म की आप क्लिप्स वगैरह ऐड कर लें, और उसमें यह कि आपका सब्सक्राइबर्स और ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है, और फिर उसके बाद वो जो वीडियोज आपने ऑलरेडी लगाई हुई होती हैं जिन पर ज़्यादा ट्रैफिक आ रही होती है, उन्हीं की एड स्क्रीन पर मैंने अपनी वीडियोज़ लगाना शुरू कर दी। तो उससे क्या हुआ कि अगर वैसे वो मिलियंस में चली गई थी वो वीडियोस, तो अब अगर एक मिलियन बंदा उसने मेरी वीडियो पे उस पर क्लिक किया है, वह रैंडम जो वीडियो है वेस्टर्न क्लिप्स हैं जो कि मूवीज के या टीवी शोज के, तो उसमें से कम 1000 तो मेरी वीडियो पे भी जरूर आएगा। तो इस तरीके से करके मेरा वॉच टाइम पूरा हुआ था, उसमें 3 से 4 महीने लगे थे, ज्यादा नहीं लगा था। आपका जो फर्स्ट चेक बना था टीवी लीक्स का, वो भला कब आपको, कितने महीने बाद आपने काम किया उसके बाद आपका पहला चेक बना? मैंने 4 महीने काम किया था स्टार्ट में, मेरा मैंने टारगेट बनाया था कि 6 महीने से इस पे काम करना है, और उसके बाद जाके देखूंगा कि अगर तो 6 महीने में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा फिर मैं छोड़ दूंगा, लेकिन ड्यूरिंग 4 to 5 months मेरी जो वीडियो थी वो चलना स्टार्ट हो गई और चैनल मोनेटाइज हो गया, तो मेरे ख्याल में आफ्टर 6 महीने के बाद मेरा पहला चेक आया था यूट्यूब का। सही, वो पहला चेक शेयर कर सकते हो कितने का आया था? जी, मैं पहला चेक फर्स्ट मंथ की मेरी अर्निंग बनी थी वो बनी थी जस्ट $19, और जो सेकंड मंथ की थी वो थी $88, तो एक थ्रेशहोल्ड होती है $100 की, वो जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक चेक नहीं आता होता, तो वो $19 फर्स्ट मंथ के और $88 जो थे सेकंड मंथ के, वो दोनों मिला के मेरे बने थे तकरीबन $104-105 बने थे, तो वो इतने। तो शिराज भाई, अब इसके अंदर आपके जिस तरह सब्सक्राइबर्स हैं माशाल्लाह देख भी रहे हैं लाइव अकाउंट में 36,000 सब्सक्राइबर्स आपके हैं, आपके चैनल पे जो एक्चुअल सब्सक्राइबर्स का बूम आया है वो आप कब समझते हैं कि कब आया? मैं शुरू से ही एक्चुअल सब्सक्राइबर्स जो थे ना मेरे पास उसमें था, फिर कुछ ऐसा होता है कि कुछ ऐसी न्यूज वगैरह जो कि मैंने जो लीक आउट की उस वक्त उसका बहुत ज्यादा हाइप थी, जैसे मनी हाइस्ट का जो लास्ट सीजन था, तो एक न्यूज पेपर है स्पेनिश न्यूज पेपर, तो उन्होंने एक न्यूज लीक की अबाउट द रिलीजिंग डेट ऑफ द लास्ट सीजन, तो वो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई, तो उस पर विद इन अ मंथ मोर देन 100K व्यूज आ गए। इसी तरह और इस तरह की लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बारे में थी और कर्स्ट एक टीवी शो था उसके बारे में, तो वो जो न्यूज जब मैं ऐड करता गया ना तो उससे एक तो व्यूज बहुत ज्यादा आना स्टार्ट हो गए और दूसरा उससे मेरे सब्सक्राइबर्स काफी बढ़ते गए।
इसके अंदर शराज भाई आप जो मूवीज के डिफरेंट जो है वो क्लिप्स वगैरह यूज करते हैं, तो आपको कभी ऐसा हुआ कि स्ट्राइक फेस करनी पड़ी हो? हाँ जी, स्ट्राइक फेस करनी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे होते हैं चैनल्स, अगर जैसे कि डब्ल्यू बी की अगर कोई सीरीज है तो उस पर अगर हम बनाते हैं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें स्ट्राइक आ जाती है, क्योंकि डब्ल्यू बी की बहुत सारी सीरीज यूट्यूब प्रीमियम पे भी चल रही है, तो वो ऑलरेडी जो कि यूट्यूब पे चल रही है तो यूट्यूब खुद स्ट्राइक मारता है उसमें, ये डब्ल्यू बी आपको स्ट्राइक मारता है। लेकिन ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे क्लेम आता है, स्ट्राइक बहुत कम आती है। अच्छा, फिर YouTube का एक ये है कि अगर आप उसमें कमेंट्री या रिव्यू के उसमें चले जाते हैं तो वो फेयर यूजेज पॉलिसी में आ जाता है, तो वो पहले आपको वार्न करते हैं और फिर उसके बाद ही आपके चैनल पे स्ट्राइक या क्लेम जो भी आता है उसके बाद ही आता है। ये WB जो है वो वार्नर ब्रदर्स इंडस्ट्री ना, जिसका डी सीरीज है। हाँ जी, वार्नर ब्रदर्स। ठीक है। दूसरा शराज भाई, इसके अंदर ये बताएं कि एक तो आपके चैनल की इनकम होती है, आपको चैनल के अलावा कुछ फायदा कभी फाइनेंशियली हुआ है अपने इस चैनल से, इसकी एड्स के अर्निंग के अलावा? हाँ जी, इसमें ये होता है कि डिफरेंट जो कंपनीज होती हैं तो वो कॉन्टेक्ट करती हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को अपनी कम्युनिटी में शेयर कर दें या अपने वीडियोज के दरम्यान उनके एड्स ला दें, तो उस जो स्पॉन्सर्ड वीडियोज होती हैं उससे हमें काफी फायदा। तो अभी तक आपने जो स्पॉन्सरशिप दी है, प्रोवाइड की है अपने चैनल के थ्रू, मैक्सिमम आपने अभी तक कितना चार्ज किया है स्पॉन्सरशिप का? मैंने किया था $250, ढाई स्पॉन्सरशिप। हाँ, एक स्पॉन्सरशिप से $250 चार्ज किया था। और वैसे कोई ऐसे होते हैं कि वो जस्ट कहते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन में हमारे वो लिंक ऐड कर दें, तो उनके कम होते हैं। मैं जो कि इतने ज़्यादा मुझे आइडिया भी नहीं था शुरू में, तो मैं उनसे चार्ज भी ज़्यादा नहीं करता था। अब चूँकि मुझे आइडिया है तो इसी वजह से जो भी आते हैं तो आप उनको जो पैकेज देते हैं वो एटलीस्ट 1 week का होता है, तो कि आपका जो एड चलाएंगे या आपके जो पोस्ट करेंगे कम्युनिटी में जो डिस्क्रिप्शन में एड करते हैं तो वो एटलीस्ट मोर देन वीक की होती है। तो शराज भाई, आपके जो बेसिकली जो स्पॉन्सर्स थे वो स्पॉन्सर्स भी बाहर की ट्रैफिक थी, क्योंकि आपका जो चैनल है द टीवी लिंक्स, मैंने इसको इसकी वीडियोस वगैरह पे मैं देखता रहता हूँ, ये जो चैनल है इसके ऊपर बेसिकली जो ट्रैफिक आती है ज्यादा वो यूएस यूके की ट्रैफिक है, तो आपके जो स्पॉन्सर्स हैं वो भी बाहर की होते हैं? जी, स्पॉन्सर अगर समटाइम बाहर के नहीं भी होते, बहुत सारे चाइनीज स्पॉन्सर्स भी होते हैं जो कि कॉन्टेक्ट करते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि उनकी जो टारगेट ऑडियंस होती है वो यूएस यूके की होती है, मतलब वो अपना एड चलाना चाहते हैं या अपनी पोस्ट जो शेयर करना चाहते हैं वो यूके की ऑडियंस को, यूरोप की ऑडियंस को या यूएस की ऑडियंस को शेयर करना चाहते हैं, तो मोस्टली वो समझो मैं फिर उनको उसी हिसाब से चार्ज करता हूँ अकॉर्डिंग टू देयर ऑडियंस। ठीक हो गया। पाकिस्तान के अंदर अगर लेट्स से कि अगर आपका ये चैनल फर्ज करे, क्योंकि आप एक अपना ब्लॉग का चैनल भी ग्रो कर रहे हैं शराज शाह के नाम से, तो अगर वो आपका चैनल इसी लेवल पे पहुंच जाता है 36,000 के ऊपर जो पहुंच जाता है, तो पाकिस्तान के अंदर अगर किसी ने आपसे स्पॉन्सरशिप करवानी हो तो आप उसको क्या चार्ज करेंगे? नहीं, वो टीवी लीक्स पे या जो मेरा नहीं दूसरे वाले ब्लॉग वाले चैनल लेट्स से कि आपका पाकिस्तान में ग्रो कर जाता है तो उसके सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं लेट्स से 36,000 हो जाते हैं जैसे भी आप एक चैनल के, तो अगर तब कोई बंदा आपको कहता है स्पॉन्सरशिप कोई स्पॉन्सरशिप बनाने के लिए तो आप उसको कितना चार्ज करेंगे? वो डिपेंड करेगा, क्योंकि जो व्लॉग्स की कोलैबोरेशंस होती हैं या जो स्पॉन्सरशिप्स होती हैं वो उसमें आप मतलब खुद स्क्रीन पे लाइव नज़र आ रहे होते हो और अगले बंदे को भी अच्छा खासा उसका बेनिफिट दे रहे होते हो, मिसाल के तौर पे जिसके साथ कोलैबोरेशन की जाती है या जिसको प्रमोट किया जाता है तो उसका खुद का ऑलरेडी चैनल होता है, तो इट मीन्स कि आप अपने सब्सक्राइबर्स उसको दे रहे हो या आप अपने सब्सक्राइबर्स को कह रहे हो कि जाके वो चीज़ मतलब उसकी चैनल को भी देखें, जबकि इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो आप अपने सब्सक्राइबर्स को बता देते हो, जिसने लेना होगा वो प्रोडक्ट वो लेगा, जिसने नहीं लेना वो देखेगा भी नहीं। तो उसका लाजमी बात है जब कोई प्रोडक्ट बेचना हो तो उसका कम होता है। अच्छा, जब अगर हम स्पॉन्सर करते हैं किसी बंदे को या किसी चैनल को जो कि खुद वो उसमें मौजूद है और वो जो भी हद कर रहा है, इट मीन्स कि हम उसको भी प्रमोट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया। फिर शराज भाई, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आपका ये जो भी चैनल है आपने और भी ऑनलाइन सोर्सेज से अर्निंग की है? जी, मैं तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं कि ऑनलाइन से ही कमा रहा हूँ। कंटेंट राइटिंग का काम किया मैंने, वेब डेवलपमेंट का किया है, वेब डिजाइनिंग का किया है और उसके अलावा अमेजोन पे काम किया है, तो मैं पिछले 10-12 साल से ऑनलाइन से ही रेलेवेंट सारे काम कर रहा हूँ।
अब अगर मैं कहूँ कि आप कंपेयर करें Amazon वर्सेस या कोई भी ऑनलाइन जॉब वर्सेस YouTube की इनकम जो है वो, तो आपको कौन सी जो है वो स्ट्रीम ऑफ अर्निंग जो है वो ज्यादा बेटर लगती है, YouTube या बाकी? जो मैं समझता हूँ YouTube की ज्यादा बेनिफिशियल होती है एज कम्पेयर टू Amazon, अगर आप ई कॉमर्स से इसको कंपेयर करते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स पे आप जस्ट इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद आप उसके बिहाफ पे कमा रहे होते हैं और समटाइम आपको उसमें लॉस भी होता है, ठीक है। एज कम्पेयर टू YouTube, अगर आप एज कम्पेयर टू ई कॉमर्स अगर आप YouTube पे आते हैं तो YouTube पे आप समटाइम आप इन्वेस्ट करते हैं बट उसमें आपको मोस्टली प्रॉफिट ही होता है। प्रॉफिट इस सेंस में कहूँगा कि आपको बेनिफिट होता है, आपने हेड्स पे लगाए हैं पैसे, आपने अपने गैजेट्स पे लगाए हैं, आपने अपनी सेल्फ ग्रूमिंग की है, तो उसमें आपकी आपकी ऑडियंस बढ़ेगी, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, आपके चैनल ग्रो होगा और आपकी इनकम बढ़ेगी एज कम्पेयर टू ई कॉमर्स। जबकि ई कॉमर्स में अगर आप पैसे लगाते हैं तो समटाइम आपके जो पैसे लगे होते हैं वो भी डूब जाते हैं। तो मैं तो डेफिनेटली इसलिए प्रेफर करता हूँ कि सबको यूट्यूब पे काम करना चाहिए। हाँ ठीक है, आपके बाकी सोर्सेज भी होने चाहिए लेकिन यूट्यूब एक ऐसा सोर्स है कि इसमें आपको फेम भी मिलता है, इसमें आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी होती है, आप अर्न भी करते हैं और उसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एज कम्पेयर टू ई कॉमर्स। तो शिराज भाई, ये जो यूट्यूब की आपकी माशाल्लाह इनकम वगैरह है, आपने इस चैनल को कहाँ तक आपका प्लान है कि आप इस चैनल को कब तक जो है वो कंटिन्यू रखेंगे, या एक टाइम आएगा कि आप अपना योनर टोटल चेंज करके और इस वाले चैनल को छोड़ के आप कोई दूसरा चैनल करें, ऐसा आपने कुछ सोचा हुआ? नहीं, मैं दूसरा चैनल तो ऑलरेडी कर भी रहा हूँ जैसा कि मेंशन किया आपने, लेकिन इस चैनल को भी मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं इसको एक प्रॉपर इंफॉर्मेटिव या न्यूज चैनल बनाना चाहता हूँ रिगार्डिंग मल्टी मीडिया और टीवी, ठीक है। तो मैं बेसिकली यही चाहता हूँ कि इस पे काम जारी रहेगा। हाँ, अगर मुझे अपनी टीम एक्सपेंड करनी पड़ी तो मैं डेफिनेटली करूँगा। आप यूट्यूब के अंदर हर एक चैनल की एक डिफरेंट निश होती है, आपकी जो निश है उसके अंदर आप किसको अपना कंपेटिटर समझते हैं बेसिकली? जो टीवी लीक्स में, जी द टीवी लीक्स में, टीवी लीक्स में बहुत सारे हैं, एक वॉच मोजो के नाम से, वो तो इंस्पिरेशन है एक किस्म की मेरी, उसके 23 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और उसके अलावा टीवी गाइड है और कम्युनिटी टीवी है। कम्युनिटी टीवी ऑल दो मुझसे रेलेवेंट नहीं है, नीच यही है, लेकिन वो मूवीज से रेलेवेंट न्यूज वगैरह देते हैं या रेडिक्स बनाते हैं और मैं टीवी शो से आए। वॉच मौजू के तो आई थिंक मिलियंस के अंदर सब्सक्राइबर्स हैं जी, उसके 23 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और उनके बहुत सारे चैनल हैं, किसी एक वो पहले इंग्लिश में स्टार्ट हुआ था कैनेडा का है, लेकिन फिर उसके बाद वो अब स्पेनिश में भी है और बहुत सारी पोर्टुगीज में है, बहुत सारी लैंग्वेजेस में। उन्होंने मेरे ख्याल से आपकी एक दो वीडियोस जो वो कॉपी करने की भी कोशिश की है, मैंने ऐसा सुना था। मैं समझता हूँ शायद वो टाइमिंग ऐसी थी कि मैंने भी उन दिनों में उन्हीं टीवी शोज के ऊपर वीडियो बनाई थी जिसपे उन्होंने बनाई थी, तो मेरी वीडियोस पहले रिलीज हुई थी और उसके कुछ अर्से के बाद फिर उनकी वीडियोस भी रिलीज हुई, तो वो मैं समझता हूँ कि वो एक कोइंसिडेंस हो सकता है। कोई एक टाइटल याद है आपको एक वीडियो का जो आपको लगता हो ताकि ऑडियंस जो है वो जो अगर सुन रही है तो उसको कंपैरेटिवली देख सके कि आपकी वीडियो? मैं उसका मैं आपको दिखा दूंगा, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दीजिएगा, उसको जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो शिराज भाई आप क्या देखते हैं पाकिस्तान के अंदर अभी, जिस तरह न्यू कोई यूट्यूबर आता है हर यूट्यूबर के माइंड के अंदर एक क्वेश्चन होता है कि यार पता नहीं इनके चैनल्स जो है वो कब चल पड़े, हमने 10 वीडियोस डाली 5 डाली उसके बाद भी हमारे व्यूज नहीं आए, इन लोगों के 1000 1500 व्यूज, अभी लाइव टाइम के अंदर पिछले 48 आवर्स में आपके 3600 व्यूज जो वो शो हो रहे हैं जो कि यूके यूएस बेस्ड है, पाकिस्तान को अगर कंपेयर किया जाए तो ये 36,000 के हिसाब से बनते हैं जो अर्निंग का भी रेशियो है। अब कौन सा ऐसी चीज होती है, कौन सी ऐसी गिदर सी होती है जो कुछ यूट्यूबर्स के पास होती है तो उनका चैनल चल पड़ता है और कुछ यूट्यूबर्स जो है वो नहीं चला पाते अपना चैनल, ऐसा क्या होता है? देखिए इसमें ना हमें ये देखना होता है कि हमारी ऑडियंस या हम जिस नीच में चैनल बना रहे उसकी कितनी ऑडियंस है, बाद अवकात हम वो गलत चूज कर लेते हैं और इसके लिए ना आपको एक प्रॉपर होमवर्क करना होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आपकी ऑडियंस है यूरोप की है या यूएस की है तो वहां पे आप देखें तो जो 1000 व्यूज की जो अर्निंग है वो अराउंड अबाउट $5 to $8 के दरमियान है, ठीक है, जबकि अगर आप पाकिस्तान इंडिया में बनाते हैं तो वो लेस देन डॉलर होती है 1000 व्यूज की, ठीक है। तो ये एक होमवर्क कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जिस चीज पे बना रहे हैं उसमें आपकी इंटरनेशनल ऑडियंस होगी या लोकल होगी, देसी होगी। अच्छा, दूसरी आपने ये देखना होता है कि आप मिसाल के तौर पर बाद लोग एजुकेशनल चैनल बनाते हैं तो हर बंदे ने एजुकेशन नहीं देनी, तो वो स्पेसिफिक या तो मिसाल के तौर पे जो उस चीज़ को स्टडी कर रहे होंगे बस वही देखेंगे,
ठीक है, तो वो डिपेंड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप आपने ये देखना होता है कि अकॉर्डिंग टू योर नीश, अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, कि वो उसको कितने लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। आप जाए पहले उन चैनल्स को देखें, उनको स्टडी करें, और वो जो वीडियो डालते हैं तो आफ्टर 24 आवर्स उनकी उस वीडियो पे व्यूज चेक करें। ठीक है, और फिर उसके बाद ये होता है सेकंड चीज के कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कंटेंट की क्वालिटी अगर अच्छी है तो जो सब्सक्राइबर्स आ भी रहे हैं तो वो आपके पास टिक जाएंगे, अगर नहीं है तो फिर वो चले जाएंगे, वो छोड़ जाएंगे। आज कॉम्पिटिशन का दौर है तो आज किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको बार बार देखे। तो आपको यू हैव टू अट्रैक्ट योर ऑडियंस फर्स्ट। अगर आप अट्रैक्ट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपका क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। वो होगा तो लोग आपके पास आएंगे, बार बार देखने आएंगे। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं हम उनके, जैसे पाकिस्तान में इरफान विनय जो है और हमजा भट्टी है, वो मतलब फूड ब्लॉग्स बनाते हैं, तो मुझे उनके पसंद है। मैं बार बार अगर उनकी वीडियो ना भी मेरे तक उसका नोटिफिकेशन आए तो मैं फिर भी जाके देखता हूँ। तो इस तरह की आपको ऑडियंस क्रिएट करनी पड़ती है, और मैं ये कहूँगा कि एटलीस्ट आपको 6 मंथ टारगेट रखना चाहिए, अच्छा क्वालिटी कंटेंट बनाए और 6 मंथ रेगुलरली अपनी वीडियोस को पब्लिश करें, अपलोड करें, और उसके बाद जाके देखें। 6 मंथ के बाद चेक करना चाहिए। हमारी जो ऑडियंस है मोस्टली उनका ना एक इशू है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि आज हमने वीडियो डाली है तो कल वायरल होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। करोड़ों चैनल्स हैं, लाखों भी नहीं करोड़ों चैनल्स हैं। तो जब आप अच्छा कंटेंट बना रहे होंगे और रेगुलरली बना रहे होंगे तो डेफिनेटली एक टाइम के बाद ऑडियंस आपकी जो आपका चैनल है, आपकी वीडियोज है, उनको देखना स्टार्ट कर देगी। शायद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी से रिलेटेड था। लोग जो है ना, कुछ यूट्यूबर्स ये भी कहते हैं कि यार 50, 60, 100 या 150 वीडियोस के बाद एक टाइम जरूर ऐसा आता है कि यूट्यूब खुद ब खुद आपको प्रमोट करना शुरू कर देता है। आपके केस के अंदर आप क्या समझते हैं कि कौन सा ऐसा टाइम था, या कितने आमतौर पर जो नॉर्मल लोग हैं उनको कितनी वीडियोज अपलोड करनी चाहिए और उसके बाद कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए कि यूट्यूब हमें प्रमोट करेगा? अच्छा, इसमें ना डिपेंड करता है, हर उसके लिए डिफरेंट होता है। समटाइम ये होता है कि अगर तो आपकी नीश ऐसी है जो एंटरटेनमेंट से वाबस्ता है तो आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आती रहती है, ठीक है। और अगर आपकी एजुकेशन से वाबस्ता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो उसके लिए ये है कि फिर आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। समटाइम ये होता है कि आप 50 वीडियोज बनाते हैं, उनमें से एक ज़्यादा चल रही होती है, या स्टूडेंट्स को मिसाल के तौर पर जो चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो बार बार वो वीडियो जाके देखते हैं, जबकि एंटरटेनमेंट में ऐसा नहीं होता, व्लॉग्स में ऐसा नहीं होता, और जो प्रैक्स वगैरह बनते हैं उसमें ऐसा नहीं होता, ये रैंडमली भी ये वीडियोस चलती रहती है। तो ये डिपेंड करता है, मैं फिर कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना होता है कि आप किस चीज़ पे वीडियो बना रहे हैं। खानों की वीडियोस जैसे आप देखें तो ज़्यादा चलती हैं, तो इस तरह की अगर आप बनाते हैं तो वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक उसमें आती रहती है, आपका चैनल ग्रो करता रहता है। अगर आप बनाते हैं किसी और कैटेगरी पे तो वो फिर डिपेंड करता है। अच्छा शिराज भाई, अगर एक न्यू लड़का कोई स्टार्ट करना चाह रहा है तो स्टार्ट करते हुए डेफिनेटली उसको एक अच्छा कैमरा भी वो सोचेगा कि मेरे पास हो, फिर एक अच्छा माइक हो, फिर एक अच्छा एडिटर हो, पेड सॉफ्टवेयर हो गई हो, उसके बाद उसको यूज सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए एक हैवी कंप्यूटर मशीन हो, तो फिर जो वो स्टार्ट करे। आप इसके अंदर कुछ अल्टरनेटिव चीजें बताएं कि अगर एक बंदा है उसके पास, चलो मोबाइल तो है, मोबाइल तो सबके पास होता है, एक कैमरा अच्छा नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव क्या अच्छा हो सकता है उसके पास? सेकेंडली ये कि अगर उस बंदे के पास कंप्यूटर अच्छा नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? उसके पास अगर पेड एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव हम क्या यूज कर सकते हैं? और उसके अलावा उसके पास अगर, यानी कि ये जो छोटी मोटी चीजें हैं, अगर उसके पास अच्छी एक्सेसरी नहीं है तो वो किस तरीके से जो है वो नॉर्मल सोर्सेज को यूटिलाइज करके अच्छी वीडियो बना सकते हैं? अच्छा, इसमें ऐसे ही है, अब जैसे मेरा चैनल है ये टीवी लीक्स, तो इसमें आप मुझे कैमरे की जरूरत नहीं थी, ठीक है, और इसमें मुझे कोई ऐसा हैवी मशीनरी की भी ज़रूरत नहीं थी, मिसाल के तौर पर ऐसे मुझे कोई कंप्यूटर नहीं चाहिए थे, कोई ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए थे। मैंने शुरू में एक VSDC के नाम से सॉफ्टवेयर है और उसको इस्तेमाल करता था, फिर उसके बाद मैंने फिल्मोरा को ट्राई किया और फिल्मोरा पर बनाना स्टार्ट कर दिया। इसमें जस्ट यही है कि आपको डिफरेंट वीडियोज़ को डाउनलोड करना होता है, क्लिप्स को डाउनलोड करना होता है, ट्रेलर्स को करना होता है, और उसकी मिक्सिंग करके आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग ब्लॉग वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये होता है कि फर्स्ट आप जब इनिशिएट करते हैं और आपको आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल अच्छी है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, या आपको लोगों की अटेंशन ग्रैब करना आती है, तो मैं नहीं समझता कुछ टाइम के बाद
वैसे ही ऑडियंस ग्रो कर जाती है। मैं इसकी मिसाल दूंगा, हमजा भट्टी का जो चैनल है, तो अगर आप देखें उसकी पहली दो तीन वीडियोस, तो उसमें उसने साफ साफ कहा है कि भाई ये मेरा सेटअप है और बहुत मेरे पास मोबाइल का ही कैम है, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ और बहुत टाइम मैंने ऑलरेडी वेस्ट कर लिया है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी इस वजह से टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम के बाद अगर आपकी आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, तो आप वैसे ही ऑडियंस को ग्रैब कर लेंगे, उसकी अटेंशन ग्रैब कर लेंगे। तो अगर आपने मिसाल के तौर पर चला ही मारनी है, तो फिर आप बेशक न्यू कैम लेके और सारा कुछ गैजेट्स पूरे करके भी मारे, तो मैं नहीं समझता फिर लोग देखेंगे आपको। सही। अच्छा शिराज भाई, आपने कुछ फ्री सॉफ्टवेयर का भी मुझे बताया था जिनसे काफी इफेक्टिवली आपकी वीडियो को आप एनहेंस कर सकते हैं, उसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन के हवाले से भी, और उसके अलावा फ्री जो सॉफ्टवेयर पेड होते हैं उनको भी फ्री डाउनलोड करने के हवाले से। इसमें ना इसमें कुछ जो अब शुरू में मेरे पास माइक नहीं था, प्रोफेशनल माइक, तो उसके लिए मैं मेरे पास LG G4 था मोबाइल, तो एक दो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, एक लेक्सिस के नाम से है और एक और सॉफ्टवेयर है, मुझे उसका नाम नहीं याद, तो वो मैं आपको बता दूंगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वो ये दो ऐसे सॉफ्टवेयर थे बेसिकली कि इसमें आपकी जो वॉइस वो ज़्यादा क्लियर होके आती थी, तो मैंने वहीं से ही अपनी जो ऑडियोज थी उनको रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया और कुछ अर्से तक मैं वही करता रहा। फिर उसके बाद जब मैंने देखा और मेरी अर्निंग वगैरह स्टार्ट हो गई, तो फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर गैजेट्स वगैरह लिए रिकॉर्डिंग के लिए। तो इसी तरह कैम के लिए भी कुछ अच्छे मोबाइल्स भी होते हैं, और अगर आपका मोबाइल अच्छा नहीं है तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जैसे ओपन कैम है और एक दो और इस तरह के, तो उनको यूज़ करके भी आप मतलब काम चला सकते हैं शुरू में। हाँ, जब आपकी चीज़ आपका चैनल ग्रो कर जाता है, वीडियो चल पड़ती है, तो फिर उसके बाद आप खर्चा कर सकते हैं इसको। ठीक होगा। मैं गाइस आपको ना लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, एक वेबसाइट है उसके अंदर से आपको जितने भी ये सॉफ्टवेयर जो कि पेड हैं वो आपको इंशाल्लाह फ्री मिल जाएंगे उस वेबसाइट से, और उसके अलावा कुछ जो चिराग भी मुझे बताएंगे मैं आपको सजेस्टिव एप्स भी जो है वो उनके लिंक्स भी जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। रफली बता देता हूँ, क्योंकि मैं पिछले कुछ अरसे से अमेजोन पे काम कर रहा था, तो मेरी जो तवज्जो थी इस तरफ कम थी, और उस वजह से मेरी जो सब्सक्राइबर्स आने की जो एक स्पीड होती है तो वो थोड़ी सी कम हो गई। फिर मैं वीडियोस वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहा था, तो मैं मंथ के 50-60,000 इस चैनल से कमा रहा था उस वक्त। तो अब जो कि मैंने फिर दोबारा से प्रॉपर स्टार्ट किया, लेकिन मैं एक मंथ में मोर देन 100,000 भी कमाता रहा हूँ इसी चैनल से। तो उसमें यही है कि बस मेरी वो पुरानी वीडियोज ही चल रही थी और न्यू वीडियोज में कोई खास ऐड नहीं कर रहा था, तो इस वजह से मेरी ऑडियंस थोड़ी सी कम हुई थी और अर्निंग भी उसकी वजह से कम हुई है। लेकिन अब ये है कि मैं दोबारा इस पे फोकस कर रहा हूँ, तो आई होप कि फिर 100,000 प्लस हो जाएगा। यानी शिराज भाई, मैं अपनी पब्लिक को एक एस्टिमेट देना चाह रहा हूँ कि लेट्स से कि अगर किसी का पाकिस्तान के अंदर एक चैनल है एंड लेट्स सपोज कि उसके 100K सब्सक्राइबर्स हैं, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि वो मंथली एड्स के थ्रू तकरीबन 1,00,000 प्लस कमा रहा हो, और प्लस उसको महीने में अगर एक स्पॉन्सर मिल जाए तो महीने का उसका 2,00,000 प्लस तक का बजट बन सकता है, इज इट पॉसिबल? हाँ जी, बिल्कुल बन सकते हैं। अगर आप उस पर डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं, एक कोई भी ऐसा चैनल है जैसे कि ऑलरेडी मेरा है, तो अगर आपका ऐसा चैनल है और आपकी ऑडियंस वेस्टर्न है और आप उसमें डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप स्पॉन्सर्स जो स्पॉन्सर्ड वीडियोस होती हैं या एड्स होते हैं उनके ज़रिए, प्लस जो आपकी यूट्यूब की अर्निंग है, इतना इनको मिला के आप 2,00,000 तक इजीली कमा सकते हैं। ठीक हो गया शाहब भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर डिटेल इंटरव्यू, और आपकी जो एडवाइजेस थी वो डेफिनेटली जो यूट्यूबर्स जो भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। आपने इतना सारा टाइम दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे मजीद टिप्स के लिए रहा करेंगे। थैंक यू। गाइस, आज का हमारा ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी रिलेटेड टू यूट्यूब, और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया, इन्फॉर्मेशन पसंद आई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, द टीवी लिस्ट को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और शिराज शाह के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।